दिस इज माई आउटफिट। आज मैंने एक साड़ी पहने है। लग रहा है कि हम लोगों का ये जो रास्ता है वो होगा, तो ये रास्ता हो रहा है, होगा शायद, क्योंकि ये जो साइड में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पत्थर वगैरह सब फेंक के रखे हैं, तो होने से ही अच्छा है। वैसे तो इस पर ज़्यादा कुछ पैंडल्स होगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। अभी पूजा की टाइम है तो घूमने निकले हैं, तो थोड़ा सा मैं पैडल्स भी आप लोगों को दे रही हूँ, इसलिए मैंने अभी पैडल्स भी लगाए हैं, ठीक है। तो देखिए गाड़ी थर्ड गियर में है और मैं अभी जा रही हूँ फिलहाल पहले पेट्रोल भरने के लिए, क्योंकि बिना पेट्रोल के हम घूम नहीं पाएंगे। तो पेट्रोल भरेंगे, फिर थोड़ा सा टायर का हवा भी चेक करना है, क्योंकि मैं 3 डेज से ना कम से कम 3 डेज से मैं गाड़ी निकाली नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे टायर में भी हवा चाहिए होगा, ठीक है। तो वो पहले हम चेक कर लेंगे। तो आप लोग भी कभी अगर निकलते हैं, बहुत दिन नहीं निकले हैं, देखिए मैं यहाँ पे पोदिया लगा रही हूँ, ठीक है, तो फिर आपको पहले क्या करना है, गाड़ी की जो टायर है उसे चेक करना है। तो यहाँ पर पूजा के टाइम है तो थोड़ा सा जरूर निकलिए, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर को यूज़ कीजिए, क्योंकि विदाउट ये सैनिटाइजर और मास्क आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। वैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा निकले हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत जगह जहाँ पर बहुत भीड़ होता है ना, तो वहाँ पर आप ना ही जाए तो ही बेटर है। तो देखते हैं कैंडल्स में कितना भीड़ होता है, क्या नहीं। आ गए हम पेट्रोल पंप। पंप भी खाली है। दूसरा टाइम जब पूजा के टाइम होता है तो कितना भीड़ रहता है, लेकिन फिलहाल तो ये एडिशन का आमरा कजन का पूजा है, बहुत ही अच्छा बनाया, मस्त बनाया ना। हाँ। और ये मेरा बेटी का आउटफिट है, अच्छा लग रहा है देखने में। थैंक यू। और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए माँ काली का जो मूर्ति है कितना सुंदर सा है। तो पैंडल बिल्कुल खाली खाली सा है, एक दो जन ऐसा ही दिख रहा है मुझे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो खींचे और हम लोग ने मास्क उतार के रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा ही घूमे लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को।
और जो रास्ता देखिए एकदम से आप लोगों को पता चल रहा है कि बहुत ही कम जन है, मतलब दो तीन जन आ रहे हैं और जा रहे हैं इस तरह से। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसाड़ी क्लब, जो कि बिना चिति का है। ये भी बहुत अच्छा सा बनता है हर बार, लेकिन इस बार थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। देखिए ये है सेकेंडरी का पूजा, और ये भी एक बहुत ही सुंदर सा बना है, लेकिन बहुत ही छोटा सा बना है। और अब हम घर चले आए हैं और थोड़ा सा दिया लगाए और खाना बनाया है, पूरी और छोले की मतलब चने की सब्जी। और ये देखिए ये है पुराने साल का, मतलब पिछले साल का कुछ पटाखे हम लोग के पास थे। हाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। मैं पटाखे अभी फोड़ने जा रही हूँ। ठीक है, चलो फोड़ो। तीन फोड़ेंगे अभी फिलहाल, तंग मशाल पहले जला लेते हैं। तो उसी को हमने सुबह थोड़ा सा धूप में लगाए थे, और देखिए कितना सुंदर सा जल रहा है। चरखी की बारी आई है, बल्ले बल्ले। बहुत ही सुंदर सा जल रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम तो बिक रहा था, लेकिन हम लोग जैसे कि दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो दुकान में सब बंद हो गया था, मतलब मिल नहीं रहा था। और भी चार पैकेट्स हैं। तो इस तरह से हमने दिवाली मनाए, और अब आया है भाई दूज। तो भाई दूज भी हम लोगों के घर में होता है, छोटा सा ही होता है लेकिन होता है जरूर। और ये मेरी बेटी दे रही है अपने नानू को, और पकवान बहुत ही अच्छा बना था, मम्मी ने बिरयानी बनाई थी। सो फ्रेंड्स, बताना जरूर कि ब्लॉग कैसा लगा। वैसे तो मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, तो बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आई है या नहीं, और गाड़ी चलाते हुए आप लोग ने मुझे देखे हैं तो आप लोगों को कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊंगी। ओके, अब तो मैं घर भी पहुंच जा रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सेफ ड्राइव विद लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।